नाज़रीन, कैसे हो सभी लोग। जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ सुबह पेशेंगी की थी कि आज कराची में दोपहर या शाम से बारिश का आगाज़ होगा, तो हम देख रहे हैं शाम होती है शहर के करीब गरज चमक वाले बादल बने, जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई और कुछ इलाकों में बारिश नहीं भी हुई। लेकिन अब जो प्रॉपर थंडर स्टॉर्म है वो अब कराची के करीब बनना शुरू हो गया है। इस पर आप देख सकते हैं मेरे इलाके में अब से कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई और अब मेरे इलाके में आप लोग देख सकते हैं कि गरज चमक का सिलसिला जारी है। कराची के कुछ इलाकों में हैवी रेन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कराची के करीब एक अच्छी शिद्दत का थंडर स्टॉर्म तशकील पा गया है, जिसकी वजह से कराची के तो कुछ इलाके जैसे न्यू कराची है और सुरजानी टाउन है, साइमा अरेबियन विलास है, वहाँ पे हमें रिपोर्ट्स मिली है कि वहाँ पे हैवी रेन स्टार्ट हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो थंडर स्टॉर्म है कराची के बाकी इलाकों को भी कवर करेगा और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। आज आज कराची में बारिश के इम्कान रहेंगे। ऐसा आप देख सकते हैं कराची के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। जैसे कि मैं आप लोगों को सुबह पेशेंगो में बताया था कि आज कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और गरज चमक आप लोग देख सकते हैं इस मेरे एरिया में गुलिस्तान जौहर में इस वक्त हो रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले घंटों में थंडर स्टॉर्म कराची को मुतासर करेगा। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश और कुछ इलाकों में बाज मकाम पर, सिर्फ कुछ ही मकाम पर हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि कुछ ही मकाम पर मौसम बारिश के इम्कान भी बन सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं चमक का सिलसिला जारी है। अब अगर बात करें जाए हवा के कम दबाव की, राज दोपहर को हमने देखा कि जो हवा का कम दबाव था वो शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया था, मगर अब हम देख रहे हैं हवा के कम दबाव ने मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन का रूप ले लिया है। हमें उम्मीद है कि आज आज की शिद्दत में कमी आएगी। फिर आज आज के दो ट्रैक हो सकते हैं, एक ही कमज़ोर होगा जो इनकी कोस्टल बेल्ट है उसको हिट करे, जबकि एक ऑप्शन ये भी है कि बलोचिस्तान की तरफ चला जाए। अगर ये कराची की तरफ आता है तो हमें उम्मीद है कि मौसला बारिश के इम्कान बन सकते हैं। अगर बलोचिस्तान जाता है फिर दमियाई से तेज़ बारिश के इम्कान कराची में रहेंगे। हाँ, अब लम्बे लम्बा थंडर स्टॉर्म के बाद अपडेट शेयर करते रहेंगे। तब तक के हाफिज़ आज फिर मिलेंगे।